हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। माई सेल्फ चित्रंजन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल्स। ओके, आज हम लोग सर्कल चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके, तो सर्कल चैप्टर में हम लोग सर्कल का टोटल जो भी मतलब डीपली इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे स्टूडेंट इसका लर्निंग सीक्वेंस, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर पहले डिस्कस कर लिया जाए। ओके, तो इंट्रोडक्शन सर्कल के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन होगा। ओके, सर्कल का डिफिनीशन, उसके बाद डायमीटर क्या होते हैं, डायमीटर क्या होता है, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, सर्कुलर रीजन। ओके, सर्कुलर रीजन में आपको सर्कुलर रीजन हो गया। नेक्स्ट कोड ऑफ अ सर्कल, कोड ऑफ अ सर्कल में स्टूडेंट व्हाट इज द कोड ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क क्या होते हैं, माइनर एंड मेजर आर्क, यानी आर्क दो तरह के होते हैं, माइनर और मेजर आर्क, उसके बारे में जानेंगे। सीकेंट ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कुलर रीजन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड फाइनली सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये सभी हमारे पॉइंट्स हैं जिसपे डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। इस पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आखिर सर्कल होता क्या है। ओके, टेक आउट कंपासेज फ्रॉम योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स। ज्योमेट्रिकल बॉक्स जब आपके, तो एक कंपास को आप कहीं भी पॉइंट कर लीजिए। ओके, कहीं भी पॉइंट करके आप उसे जब एक पॉइंट करोगे इस तरीके से, ओके, पॉइंट करोगे इस तरीके से पॉइंट करके, और उसको ये जो चारों तरफ आप इसे इस तरीके से सर्कल करोगे, तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स एंड ओपन इट्स आर्म, उसका आर्म्स जो होता है दोनों वो ओपन करोगे। नाउ टेक ए पॉइंट ऑन द पेज, पेज पे पॉइंट लिया गया, ऑफ योर नोटबुक एंड प्लेस द स्टील एंड ऑफ द कंपास इज एट ओ। ओके, ओ पे स्टील एंड वाला, ये ओ हो गया। एंड लेट द पेंसिल एंड टच द कंपास फिक्स्ड एट ओ, फिक्स करके और पेंसिल को इस तरीके से टच करके इसे सर्कुलर शेप मतलब हम बनाएंगे। तो रोटेट द अदर आर्म अराउंड द पेंसिल एंड ऑलवेज टचिंग द पेज, और वो टच हो, यानी कंपास से हम सर्कल जो बनाते हैं उसके बारे में बताया गया कि सर्कल आखिर शेप कैसा होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का मेन थीम है, और ये जो रोटेशन जो होता है वो पेंसिल यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जब तक हम लोग नहीं जाते हैं तब तक वो उसको छोड़ना नहीं है, तब तक कि जब तक वो उस स्टार्टिंग पॉइंट को टच ना करे। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सर्कल कहते हैं। और सर्कल का शेप कैसा होता है स्टूडेंट, सर्कल का जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। क्लियर है, इसमें आपको यहां से हम कंपास रखते हैं और उसे सर्कुलर बनाते हैं। क्लियर है, तो ये सर्कल का शेप है। सर्कल आखिर बनता कैसे है उसके बारे में ये डिस्कशन था। नाउ द नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ सर्कल क्या क्या होते हैं, रेडियस, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, टेंजेंट, कोड, ओके, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, ये सब इसके पार्ट होते हैं। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आखिर इसमें, तो सबसे पहले सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है, वो तो इंट्रोडक्शन था कि सर्कल आपका फॉर्मेशन कैसे होता है, सर्कल बनता कैसे है, लेकिन इसका डिफिनीशन तो हम कुछ देंगे। तो डिफिनीशन इसका इस तरह से दिया जा सकता है, ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लियर है, यानी कि जो सर्कल होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। मान लो कि ये सर्कल द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं, इसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सबका क्या होता है, एक सेट होता है, मतलब जितना इसमें
इनफाइनाइट पॉइंट्स, आप इसमें जितने भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं वो सबका एक सेट है, लेकिन वो पॉइंट्स कौन से होते हैं उसके बारे में, इन अ प्लेन, ये प्लेन हो गया, हु इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी फिक्स्ड पॉइंट मान लो ये है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है चारों तरफ, इट मीन्स ये जो हुआ आपका, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो सेम पॉइंट है यहाँ से ये चारों तरफ है स्टूडेंट, ये सेम रहना चाहिए, ये चारों तरफ आपका सेम होना चाहिए, क्लियर है। तो ये जो आपका है इसे आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, इट मीन्स जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, ये जो है ओ फिक्स्ड पॉइंट, इसे सेंटर बोलते हैं, क्लियर है। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये कांस्टेंट रहते हैं हमेशा यहां से। अब ये जो है हमारा ओपी, ये जो है ओपी, इसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं स्टूडेंट, ओके। ये रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये जो कांस्टेंट रहता है, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया और ये कांस्टेंट होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये कांस्टेंट बना रहता है, इट मीन्स इस तरीके से इसे हम कभी भी ये करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, तभी ये सर्कुलर शेप में होगा, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, डायमीटर, ओके। डायमीटर क्या होता है, तो रेडियस आपने समझ लिया, फिक्स पॉइंट एज ए सेंटर आपने समझ लिया। अब अलाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ ए हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है। यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है, तो वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर के पास थ्रू होता है, सेंटर से होकर के एक एंड से दूसरे एंड में जाता है, ओके। तो स्टूडेंट यहां पे सपोज करो एक सेंटर है, ये सेंटर है आपका, और इस एंड से हमने कोई भी एक ले लिया, इस एंड से दूसरे एंड तक हमें जाने के लिए सेंटर को टच करके जाना होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, ये सब क्या है, ये सभी डायमीटर हैं, क्योंकि ये सभी सेंटर से होकर के जा रहे हैं, क्लियर है। ये सभी डायमीटर हैं, बिल्कुल डायमीटर हैं, क्लियर है। तो ये सभी क्या हो रहे हैं, सेंटर से होकर के जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे डायमीटर कह सकते हैं, क्लियर है। तो डायमीटर एक ही आप लोग समझो, इसे मैं यहां पर, अब ये मैं यहां पर ड्रॉ किया, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होते हैं, ये भी आपको पता चल गया कि जितनी मर्जी उतनी हम यहां पे डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो आपका है ए ओ बी लाइन सेगमेंट ए ओ बी इक्वल टू इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल, ओके। यानी कि जो ए ओ बी है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है। अब इंटीरियर ऑफ सर्कल मीन्स स्टूडेंट, इंटीरियर ऑफ सर्कल आपको यहां पे समझना है, यानी द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच लाई इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ, यानी ये जो बाउंड्री है हमारा, ये जो बाउंड्री आपका, इस बाउंड्री को छोड़ करके, ये वाली बाउंड्री को छोड़ करके जो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके, ये सभी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ये सभी पॉइंट्स इंटीरियर ऑफ सर्कल, ओके, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये सारे पॉइंट्स क्या बोले जाते हैं, यानी इस जो बाउंड्री है उसके अंदर में, क्लियर है। तो इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या है स्टूडेंट, तो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल के लिए
यानी ये हमारा सर्कल हो गया। अब इसके बाहर में जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी इसके इनर नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। क्लियर है? ये सभी पॉइंट्स जितने भी हैं ये सभी एक्सटीरियर ऑफ सर्कल बोले जाएंगे। ओके, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। क्लियर है? तो इस तरीके से एक्सटीरियर ऑफ सर्कल और इंटीरियर ऑफ सर्कल आपका सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए, यानी ये सर्कल के बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बाहर होने चाहिए। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, सर्कुलर रीजन। ओके स्टूडेंट, सर्कुलर रीजन क्या होता है? द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। क्लियर है? द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर ऑफ, यानी सर्कल उसमें कंसिस्ट होता है। अभी आपने इंटीरियर यहां पे समझा, तो इंटीरियर भी इसमें इंक्लूड होता है। इट मींस जितने ये पॉइंट हैं और इसमें ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड होता है। इंटीरियर में ये सब पॉइंट्स नहीं इंक्लूड होते थे, यानी ये जो हमारी बाउंड्री है, जो सर्कल है, इसे ही सर्कल बोलते हैं। तो ये सर्कल हो गया आपका, तो सर्कल आपका इसमें ये जो सर्कल का ये जो बाउंड्री है, इसके जो पॉइंट्स हैं और जो इंटीरियर के पॉइंट्स हैं, ये सभी क्या बोले जाते हैं? ये सर्कुलर रीजन बोले जाते हैं, सर्कुलर रीजन। ओके, ये टोटल सर्कुलर रीजन हो गया। ओके स्टूडेंट, द पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कोर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कोर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, अब स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया था डायमीटर के बारे में, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कोर्ड। डायमीटर भी क्या है? अब देखो इस डिफिनेशन को, डायमीटर भी फॉलो करता है। ए लाइन सेगमेंट विथ इट्स इन पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कोर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर भी हमारा क्या होता था? डायमीटर को भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से था, यहां पर सेंटर था, सेंटर से होकर के हो जाता था। क्लियर है? इट मीन सेंटर से होकर के वो डायमीटर। तो ये जो डिफिनेशन है वो कोर्ड को, यानी डायमीटर को भी, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कोर्ड। क्लियर है? तो कोर्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, यानी सर्कल के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या करता है? टच करता है, तो वो कोर्ड कहलाता है। क्लियर है? दिस इज द कोर्ड, यानी कोर्ड आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कोड हो सकता है। तो ये सारे क्या बोले जाते हैं? ये सारे कोड हैं। क्लियर है? तो इसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। ओके, सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स हो सकते हैं, ये सारे कोड्स हैं। क्लियर है? ये सभी कोड्स हैं। तो कोड्स की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, जितनी मर्जी उतनी आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? ये सभी क्या हैं? कोड हैं, ये सारे कोड हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? तो आर्क स्टूडेंट एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। क्लियर है? एक कंटिन्यूअस पीस जो होता है सर्कल का, उसे एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कोर्ड ऑफ एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। सॉरी, ये कोर्ड नहीं होता है, ये आर्क होता है। ये कोड नहीं होता है स्टूडेंट, आर्क ऑफ द सर्कल होता है। कंटिन्यूअस पीस जो होता है वो आर्क ऑफ द सर्कल होता है। क्लियर है?
कोड दूसरा चीज है और आर्क दूसरा चीज है, तो कंटिन्यूस पीस है। इट मीन्स जो हमारा कंटिन्यूस पीस है, इसे एक सर्कुलर रीजन है उसका एक पीस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्लियर है? अब इसमें आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ओके, आर्क आपने समझ लिया कि आर्क आखिर होते क्या है। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क में डिफरेंस समझ लीजिए कि माइनर किसको, यानी दो तरह के आर्क होते हैं, द टू पार्ट्स ऑफ अ सर्कल डिटरमाइंड बाई ए कोड, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड द माइनर आर्क एंड द ग्रेटर पार्ट इज कॉल्ड द मेजर पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर है? यानी वैसे जो कोड से डिटरमाइन करते हैं, कोड के द्वारा माइनर आर्क और मेजर आर्क, तो इसमें यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो है आपका ये छोटा है तो ये माइनर हो गया। अब इसमें आपको अगर ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है, तो ये मेजर आर्क हो गया। क्लियर है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको इस क्लास में जरूरत नहीं है लेकिन इसे समझ लीजिए, अब यहां पे जो आपको इस तरीके का आर्क बनता है तो ये क्या बोला जाता है, सेंट्रल एंगल इसे बोलते हैं। आपको हायर क्लास में इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। और ये आपको क्या होता है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल होते हैं। ओके, इस सर्कल के अंदर के जो इंस्क्राइब सर्कल पे बनते हैं उसे इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मेजर आर्क और माइनर आर्क का डिफरेंस आपको बिल्कुल समझना चाहिए। मेजर आर्क यानी जो बड़ा टुकड़ा होता है सर्कल का वो मेजर बोला जाता है, और जो छोटा टुकड़ा होता है कंटिन्यूस पीस होता है उसे माइनर आर्क बोलते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। अब स्टूडेंट, सीकेंट, ए लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल से होकर के पास थ्रू होता है उससे होकर के जाता है। क्लियर है? तो सर्कल से होकर के जब हो जाता है, लाइन पासिंग थ्रू द सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। ओके, वैसा जो टू पॉइंट्स पे उस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है स्टूडेंट, जैसे ये है। ओके, जैसे स्टूडेंट इसे ये समझ लीजिए, तो ये क्या है, ये दो पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है। क्लियर है? तो अगर इसे हम नाम देते हैं ए बी, तो यहां लिख सकते हैं ए बी लाइन, लाइन ए बी इज अ सीकेंट ऑफ सर्कल। ओके, यानी लाइन जो ए बी है वो सीकेंट है सर्कल का। क्लियर है? तो सीकेंट ऑफ सर्कल आपने समझ लिया कि सीकेंट, यानी इस तरीके के आप अनगिनत सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? एक नहीं, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारे सीकेंट बोले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मीन्स पेरीमीटर, यानी सर्कल का पेरीमीटर, इट मीन्स बाउंड्री, जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। यहां पे स्टूडेंट डिफिनेशन गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री होता है, बाउंड्री यानी उसका घेरा होता है। तो ये सर्कल है तो इसका जो ये घेरा है, इट मीन्स ये इस लेंथ को हमें क्या बोला जाता है, दिस लेंथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। क्लियर है? तो ये जो लेंथ है आपका वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। क्लियर है? तो सर्कमफेरेंस, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको अभी यहां पे सर्कमफेरेंस समझना है कि सर्कमफेरेंस आखिर क्या होता है। तो बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, सेमी सर्कल। द इंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इंटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ओके, अब स्टूडेंट जो हमारा सेमी सर्कल होता है वो इस तरीके का होता है,
जैसे स्टूडेंट ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो है इस पार्ट को हमें सेमी सर्कल बोला जाएगा, क्लियर है, इस पार्ट को सेमी सर्कल, दिस इज द सेमी सर्कुलर पार्ट, ओके। इस इट मीन्स सर्कल का हाफ, क्लियर है, सर्कल का हाफ जो होगा वो सेमी सर्कुलर होगा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी सर्कल के हाफ पार्ट को आप सेमी सर्कल बोलते हैं। इसको आपको क्या बोला जा सकता है, इसे हाफ सर्कल भी बोल सकते हैं, तो दिस इज द सेमी सर्कल। क्लियर है, ए बी सी ए इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल, क्लियर है, इसमें इसकी कोई, ये हमारा, इसमें ये नहीं होता है, क्लियर है, सेमी सर्कल आपका हो गया, दिस इज द सेमी सर्कल, ओके। तो द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इंटू टू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल, क्लियर है, यानी वैसे एंड पॉइंट जो सर्कल को दो भाग में बांटते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक सर्कल होता है, इसे टू इक्वल पार्ट में अगर बांट दिया जाए, सपोज करो स्टूडेंट इस तरीके से, तो प्रत्येक पार्ट क्या होता है, सेमी सर्कल होता है, दिस इज द सेमी सर्कुलर पार्ट, ओके। अब सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है स्टूडेंट, तो सेमी सर्कल आपको समझ में आ गया, अब सेमी सर्कल पार्ट जो हो गया रीजन, अभी मैंने आपको, अब ये जो बाउंड्री आपको बताया गया, ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है स्टूडेंट, इस बाउंड्री को मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको कलर करके बताया, तो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री सेमी सर्कल होता है, लेकिन अब रीजन जो होगा आपका, जो रीजन होगा, इट मीन्स जो आपका ये रीजन होगा, ये क्या होगा, तो इसे आप समझ लीजिए, तो रीजन ये आपका सेमी सर्कल पार्ट हो गया, इसे दो इक्वल पार्ट में हमने कर देना है, दो अलग अलग सेमी सर्कुलर पार्ट हो गए, क्लियर है, तो सेमी सर्कल में आपको इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ये डायमीटर की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, यानी ये सिर्फ पार्ट, ये जो रेड वाला है ये सेमी सर्कल है और ये सेमी सर्कल है, क्लियर है। अब सेमी सर्कल रीजन, रीजन में आपको समझना है कि रीजन, ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कुलर रीजन, यानी अब ये टोटल पार्ट, यानी ये जो टोटल पार्ट है, ये पूरा जो कलर किया हुआ है, और ये आपको सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट, तो सेमी सर्कुलर रीजन, और इसमें समझ में आ गया, यानी प्रत्येक पार्ट को, टोटल पार्ट, यानी इसमें ये पॉइंट सभी भी क्या होते हैं, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे, तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सेमी सर्कल रीजन। ओके, तो सेमी सर्कल रीजन आपका हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में क्या है स्टूडेंट, ए कोर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब यहां पे कोर्ड का बारी आता है, कोर्ड से जो डिवाइड होता है, यानी ये कोर्ड हो गया आपका, समझ करो ये आपका कोड है, क्लियर है, तो ये इसे दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो प्रत्येक जो पार्ट होता है हमारा, ये पार्ट जो हो गया, ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, इसे भी हम सेगमेंट बोल सकते हैं, ये भी सेगमेंट हो गया,
दोनों अलग अलग क्या है, सेगमेंट है, क्लियर है। तो ये जो टोटल एक टुकड़ा होता है वो सेगमेंट मीन्स क्या होता है, टुकड़ा होता है, क्लियर है। ए कोर्ड ऑफ अ सर्कल डाई द सर्कुलर रीजन इंटू टू पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कुलर रीजन को बांटता है, सर्कल को नहीं बांटता है, सर्कुलर रीजन को बांटता है, क्लियर है। सर्कल को जो दो पार्ट में बांटता था यानी कि वो क्या होता था, वो आपको आर्क होता था, यानी सर्कल का पीस जो होता था, लेकिन ये रीजन को, रीजन को दो भाग में बांट रहा है, यानी सेगमेंट क्या है, सर्कुलर रीजन का पार्ट है, क्लियर है। सर्कुलर यानी इसमें पूरा आता है, ओके। अब सेगमेंट आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो सेगमेंट में आप समझ लीजिए इसमें भी दो पार्ट होते हैं, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, क्लियर है। तो बड़ा वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, ये मेजर है और ये माइनर है, यानी जो छोटा पार्ट है वो माइनर हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट हो गया, ओके क्लियर है। तो इस तरीके का ये छोटा दिखने में लग रहा है, ये बड़ा दिखने में लग रहा है, तो ये माइनर और मेजर। आप दूसरा भी मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, सॉरी इस तरह नहीं, अगर ये आपका सर्कल है तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट ये माइनर हो जाएगा सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ओके। अब सेक्टर है, सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, अब सेगमेंट किस चीज से आपको, तो कोड से डिसाइड होता है, कोड से सेगमेंट डिसाइड हो रहा था, बट सेक्टर किस चीज से डिसाइड होगा, तो ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड ए माइनर सेक्टर इफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज ए पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। माइनर आर्क क्या होता है, इसके बाउंड्री का पार्ट होता है। अब स्टूडेंट यहां पर समझ लीजिए, जो बाउंड्री का पार्ट होता है, जैसे ये माइनर आर्क हो गया, छोटा आर्क है, बड़ा आर्क ये है मेजर आर्क, तो ये इसके बाउंड्री का पार्ट हो गया। ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल कॉल्ड माइनर सेक्टर ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज ए पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी ये बाउंड्री है उसका ये पार्ट हो गया। और ये जो होता है ये रेडियस होता है, यानी रेडियाई और आर्क से मिल करके जो एरिया आपको कवर्ड होता है, दो रेडियाई से और आर्क से, वो क्या होता है, सेक्टर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ओके ये हमारा सेक्टर है, क्लियर है। अब स्टूडेंट इसमें आपको माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इसको लिखते हैं, ये माइनर सेक्टर है। अब मेजर सेक्टर, तो जो आपका ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड ए मेजर सेक्टर इफ द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज पार्ट ऑफ बाउंड्री, यानी अब यहां पे मेजर पार्ट आपको बाउंड्री का पार्ट है, यानी ये हो गया, यहां पे ये हो गया, और ये यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट है, ये क्या है, मेजर सेक्टर है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये मेजर सेक्टर आपको जो बड़ा पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है, तो रेडियाई, दो रेडियस से, और इसके जो आर्क है, मेजर आर्क और टू रेडियाई से बना हुआ पार्ट क्या होता है, जिसमें ये सब सारे मौजूद होते हैं, ये सारे पॉइंट उसके अंदर आते हैं, क्लियर है, यानी ये इसमें नहीं होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स आपने आज जो भी इसके सर्कल के इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म थे, उस पर आपने आज सभी पे अच्छे से उसका डिफिनीशन सहित आपने समझा। अब इसका जो हमारा एक्सरसाइज है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।